मित्र पर स्थानिक माथाभारी ईसमो द्वारा करायेल हुमलो सीसीटीवीमां कैद थयो छे। सूरतमां परप्रांतीય વિસ્તારોમાં અસામાજિક તત્વોએ ડોળો નાખ્યો છે અને વારંવાર અસામાજિક તત્વોના આતંકનો શિકાર આમ જનતાને બનવું પડે છે। ત્યારે ઉન ભીંડી બજાર વિસ્તારમાં ભાડાના મકાનમાં રહેતા શબ્બીર શેખ નામના ઈસમને માર મારવાની ઘટનાનો હાલ સીસીટીવી વિડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં શબ્બીર શેખ ગત 13મીએ તેની દીકરી રડતી હોય જેના માટે દૂધ લેવા ઘર પાસે આવેલ સાહિલ કિરાણા સ્ટોર ખાતે ગયો હતો, જ્યાં સ્થાનિક માથાભારે મસાન શેખ, અશરફ શેખ સહિતના હોય ધસી જઈને આટલી રાત્રે અહીંયા શું કરે છે તેમ કહીને તેને માર માર્યો હતો। તો તેને બચાવવા વચ્ચે પડેલી તેની પત્ની અને મિત્ર હસનને પણ સામાજિક તત્વો મસ્તાન અને અશરફે ઢોર માર માર્યો હતો, જે સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે, જેના થકી પોલીસ ફરિયાદ પણ સચિન જીઆઈડીસી પોલીસ મથકે નોંધાઈ છે। જોકે હાલમાં પોલીસ અસામાજિક તત્વોનો છાવરી રહી હોવાનો આક્ષેપ દંપતીએ કર્યો હતો। નામે શબ્બીર શેખ ઉન સોનાલી ટુ સાયરનગર મેં રહેતા હું। મેં રાત કો મેરા લડકી કે લિયે દૂધ લેને ગયા થા તો લોક વહાં પર દુકાન પે બેઠા હુઆ લુખે લોક ને મેરે કો પકડ કે ચાકૂ મારા। નામ હૈ ઉસકા લેક્સન શેખ और अख्तर शेख, और उसका फिर उसका भाई आके हथौड़ी मारा। उसका भाई का नाम है जहीदुल शेख। फिर मैं पेशियार को फ़ोन किया तो पेशियार वाला उसका दूसरा भाई आके मेरे को चाकू मारने गया। पेशियार वाला को मैं पकड़ा दिया, चाकू दिया, फिर आरोपी को भी साथ में दिया। फिर पुलिस वाला मेरे को बोल रहा तुम सिविल पे चले जाओ। फिर आरोपी ने सुबह घर पर आके फिर मारा मारी किया। सिविल से लौट के आया, फिर से मेरे को मारने के लिए आया। फिर जाके मैं FIR करने गया, बोलता है शाम को आने का। वो साहब नहीं है, कोई एक्शन वेक्शन नहीं ले रहा। मैं ये सब कागज दिखा रहा हूँ, मेरा कोई एक्शन ही नहीं ले, आरोपी का नाम भी नहीं ले रहा है। आपकी क्या मांग है? मेरा तो FIR करने का है, तो वो लोग आ रहा ही नहीं है। कोई एक्शन नहीं ले रहा, मेरे को घर पर आके मार रहा है। आरोपी जब घर पर आ रहा हो आरोपी आके मार रहा है। मेरा नाम है सबीना शेख। मेरे पति को सब लोग मिलके मार रहे थे, मैं रोकने गई थी, मेरे सर पे भी मार दिया। उसके बाद मेरे आदमी को भी चाकू मार दिया। पुलिस को बुलाया, पुलिस लेके गया उस लोग को। हम लोग को रात को बोला जाओ सिविल में जाओ, जाके डॉक्टर का के लेके आओ, पेपर लेके आओ। हम लोग सुबह में आए, जब तक आरोपी को छोड़ दिया गया था तो घर पर जाके फिर हमारे साथ में मारपीट करना चालू कर दिया। फिर हम लोग को धमकी देने लगा। पुलिस को बोला तो पुलिस ने क्या बोला कि हम लोग जो नाम दे रहे हैं हमारा नाम नहीं लिखा जा रहा है, आरोपी का नाम पूरा नहीं लिख रहा है। छः जन है तो दो जन का नाम लिख रहा है और हमको भिजवा दे रहा है घर पे। अभी नहीं बाद में बोल के कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। मेरे पति को आके धमका रहा, हमको मारने जा रहा है, लेकिन सामने वाले की लिए कोई पुलिस वाला कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। और उन लोग कहते हैं कि पुलिस वाला हमारे जेब में रहता है, सचिन पुलिस वाला हमारे जेब में रहता है, ऐसा बोल के धमका रहा है कि सचिन पुलिस वाला हमारा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हमको इंसाफ चाहिए, हम मेरे पति को मारा, हमको मारा, मेरे जेब का चेन छीन के लेके गया। हमको इंसाफ चाहिए, हमको कुछ भी करो, पुलिस वाले को कुछ भी, पुलिस वाला कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। हमारा मजबूरी पुलिस वाला समझ ही नहीं रहा है, वो जो कर रहे हो करके जा रहा, उनकी बात सुन रहा, हमारी बात कोई बात ही नहीं सुन रहा। હાલ તો અસામાજિક તત્વો આતંક મચાવી રહ્યા છે, ત્યારે પોલીસ પણ આરોપીઓને છાવરવાનો આક્ષેપ થઈ રહ્યો હોય આ મામલે તટસ્થ તપાસ થાય તેવી માંગ ઉઠી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ સુરત।